प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 8 मई 2022 का बाइबल पाठ। आज पास्का का चौथा इतवार है। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्याएं 14 और 43 से 52 तक से लिया गया है। इस पाठ के माध्यम से माता कलिसिया हमें बतलाती है कि यीशु मसीह का धर्म यहूदियों के लिए ही नहीं बल्कि सबों के लिए है। संत पौलुस इस बात पर बहुत बल देते थे और इस कारण कुछ अनुदार यहूदी उन्हें सताते थे। वचन कहता है, पौलुस और बरनाबस पेरजे से आगे बढ़कर इसीदिया के अंताकिया पहुँचे। वे विश्राम के दिन सभागृह जाकर बैठ गए। सभा के विसर्जन के बाद बहुत से यहूदी और भक्त नव दीक्षित पौलुस और बरनाबस के पीछे हो लिए। पौलुस और बरनाबस ने उनसे बात की और आग्रह किया कि वे ईश्वर की कृपा में दृढ़ बने रहें। अगले विश्राम दिवस नगर के प्राय सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जलने लगे और पौलुस की निंदा करते हुए उनकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनाबस ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते, इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभाड़ा, पौलुस तथा बरनाबस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनाबस उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनिया चले गए। शिष्य आनंद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। राज का दूसरा पाठ प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 से लेकर 14 से 17 तक से लिया गया है। इस पाठ के द्वारा माता कलिसिया हमें बतलाती है कि हमारे प्रभु यीशु हमें जीवन की उस परिपूर्णता की ओर ले जाना चाहते हैं, जहां हमें धर्मग्रंथ के अनुसार फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास, क्योंकि मेमना हमें संजीवन जल के स्रोतों के पास ले चलेगा। वचन कहता है, मैं योहन ने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे। वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं, इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं और दिन और रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है इनके साथ निवास करेगा। इन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और न प्यास। इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और न किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोतों के पास ले चलेगा और ईश्वर इनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 27 से 30 तक से लिया गया है। इस पाठ के द्वारा माता कलिसिया हमें बतलाती है कि जिस प्रकार अच्छा गड़ेरिया अपनी भेड़ों की देखरेख करता है, उसी तरह यीशु अपने अनुयायियों की रक्षा करते हैं। यदि हम उनकी आवाज़ पहचान कर उनका अनुसरण करेंगे तो हम सदा के लिए सुरक्षित रहेंगे। वचन कहता है, यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है, वह सबसे महान है।
कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता, मैं और पिता एक हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बल्कि हमारे जीवन में घटित साधारण घटनाओं से ही ईश्वर के राज्य के रहस्यों को प्रकट करते हैं। यहूदी लोग जीविका चलाने के लिए अधिक मात्रा में भेड़ें पालते थे, यह उनके लिए एक व्यवसाय था। चरवाहे या गडेरिये दूर दूर तक भेड़ें चराने ले जाते थे, अतः कई दिनों तक वे यूं ही भेड़ें चराया करते थे। रात में सब चरवाहे एक साथ एक जगह भेड़ों को एकत्र कर विश्राम करते थे, भेड़ियों से उनकी सुरक्षा करते थे। सुबह जैसे ही वे आवाज़ देते, भेड़ें अपने अपने चरवाहों की आवाज़ सुनकर उनकी ओर चल देते थे। इस प्रकार उनका दिनचर्या बीतता था। अपने चरवाहे की आवाज़ भेड़ें सुनकर पहचानती हैं और उनका अनुपालन करती हैं। हम लोग छोटे बच्चों को चुप करने के लिए गोद में लेते हैं, उन्हें सहलाते हैं, लोरियाँ सुनाते हैं, नहीं तो बच्चे चुप नहीं होते, बल्कि डर से और जोर से रोने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्यों क्यों वे हमारी आवाज़ नहीं पहचानते हैं? उनके लिए हम लोग अनाड़ी होते हैं। क्यों वे हमारी आवाज़ नहीं पहचानते हैं? क्योंकि उनके लिए हम लोग अनाड़ी होते हैं। परंतु जब उनकी माताएं उन्हें छू लेती हैं, गोद में लेती हैं, तो वे दुबक जाते हैं, चुप हो जाते हैं और सुरक्षा का अनुभव करते हैं। बच्चे न केवल माताओं की आवाज़ पहचानती हैं, बल्कि उनके शरीर के छूने से भी वे अपनी माताओं को पहचान लेते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु हमसे कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, वे मेरा अनुसरण करती हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। यीशु अपने आप को एक भले गडेरिये के रूप में पेश कर रहे हैं और पूरी कलिसिया उसकी भेड़ों की सदृश है। कलिसिया की शिक्षा यीशु की आवाज़ है। कलिसिया के रीति रिवाज, करना धरना, नियम कानून हमारे लिए सुरक्षा कवच है, हमें विचलित होने से बचाती है और इन्हीं कलिसिया की शिक्षा के आधार पर चलने से हम अनंत जीवन के भागी बनते हैं। अतः आइए हम कलिसिया की आवाज़ को अच्छी भेड़ों की भांति सुने, पहचाने, समझें और उनका अनुपालन करने की कोशिश करें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रेरित चरित में पौलुस और बरनाबस दोनों ने अंतियोक में सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने सुसमाचार का प्रचार पवित्र आत्मा की शक्ति और ईश्वर की कृपा की सहायता से करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने यहूदियों के बीच इसका प्रचार किया था। अब इसका प्रचार उन्होंने गैर यहूदियों के बीच करना शुरू किया, जिसके कारण दोनों को बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन वे कठिनाइयों के बीच भी प्रसन्नचित थे। प्रकाशना ग्रंथ इस तथ्य की याद दिलाता है कि जिन्होंने इस धरा पर कठिनाइयों के बावजूद उसे माना है, उसे स्वीकारा है और अपनी आत्मा को परिशुद्ध बनाया है, वही ईश्वर के सिंहासन के निकट पहुंचते हैं। ईश्वर उनके सभी आंसुओं को पोंछ डालते हैं। वही ईश्वर अपनी आत्मा को परिशुद्ध करने का आमंत्रण देते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु और पिता के बीच के घनिष्ठ संबंध को दर्शाया गया है। यीशु ने अपने अनुयायियों को मेमने के रूप में देखा है और वे मेमने को जानते, पहचानते और प्यार करते हैं। मेमने भी उसकी आवाज पहचानते हैं और उनका अनुसरण करती हैं। यीशु उनका भला गडेरिया बने रहेंगे। हम पुनर्जीवित प्रभु से प्रार्थना करें कि दुनिया के सभी लोग प्रभु की आवाज को पहचाने और उनके कथनों के अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश करें, ताकि संपूर्ण विश्व में प्रभु का प्रेम एवं शांति स्थापित हो सके। आमेन।